नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। बिहार के चूहे वैसे भी कुख्यात हैं, एक से बढ़कर एक कारनामों को अंजाम दिया है। हमने बतकही में भी कई बार चूहों के कारनामों या फिर यूं कहें कि करिश्मे का बखान किया है, लेकिन इस बार तो चूहों ने सारी हदों को पार कर दिया है। इस बार चूहे विधानसभा में दाखिल हो गए। अब बताइए भला, जहां घुसने के लिए कितना टफ फाइट होता है इलेक्शन में, वहां चूहे आसानी से चले गए और उन्हें लेकर गए माननीय। आखिर क्यों? अरे भाई, रिपोर्ट देखिएगा तब ना पता चलेगा। बिहार विधानसभा में बिहार का सबसे बड़ा गुनहगार पिंजरे में बंद कर लाया गया, और गुनाह भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गिनाने बैठे तो जुबान थक जाए। लेकिन कहानी है कि खत्म होने का नाम ना लेगी। पिंजरे में बंद इस चूहे पर इल्जाम है कि इसने लाखों बोतल शराब गटक ली, अस्पताल में सैकड़ों कार्टून दवाई कुतर दी, हजारों नियोजित शिक्षकों की फाइल काट ली, और तो और बांध भी खाकर हजम कर लिया। अब चूहे पर इतना सारा आरोप था तो बिहार के उत्साही माननीय कहां तक चुप रहते। पिंजरे में गुनहगार को बंद किया और पहुंच गए विधानसभा, सरकार से कहा लीजिए ले आए मुस्तक राज, अब सजा दीजिए। कनो घोटाला ये चूहा पर डाल दिया गया है, चूहा बांध काट दिया तब बाढ़ आया गया, चूहा शराब पी गया तब ट्रक ट्रक चूहा शराब पी गया, चूहा ट्रक ट्रक दवाई खा गया हॉस्पिटल के, और चूहा फाइल भी काटेगा, चूहा भी सब कर्म करेगा, अब बाकी चूहा पर डाला जाता है। ये जो सरकार अपराधी सरकार लुटेरा सरकार है, जो घोटाला पर घोटाला हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो चूहा पर पकड़ाया तो चूहा पर कार्रवाई होना चाहिए। तो हमने बोलने का काम किया, हम ही तो बोले शेर है जी, आपने धोखा से, आपके लोगों ने धोखा से फंसाने का काम किया है। देश दुनिया में आपका नाम जगहसाई हो रहा है, चूहा शराब का पी जा रहा है, चूहा आप मेडिकल दवाइयाँ खा जा रही है पी जा रही है, बांध काट दे रहा है, कब तक चूहे पर आरोप लगाएगा? फाइल ललकेश्वर परमेश्वर का फाइल चूहा काट दे रहा है। अब बात भी बिल्कुल सही थी, अब हर बात के लिए चूहे जिम्मेदार तो सजा दे सरकार। लेकिन सरकार इतनी आसानी से कहां मानती है? विधान परिषद के विपक्षी सदस्यों ने चूहे का पिंजड़ा हाथ में लेकर प्रोटेस्ट किया। इसका जवाब सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कुछ इस प्रकार दिया। तो गणेश जी की सवारी है चूहा, अगर चूहा तो ऐसा चीज है कि भ्रष्टाचार पकड़ाता है, वही भ्रष्टाचार को पकड़ता है। गणेश जी जब बुद्धि देंगे तब ना पकड़ाइएगा, तो लोग पकड़ाते हैं उसमें। इसलिए किसी भी मुद्दे को हल्कापन करना राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है कि मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए, और अगर आप कोई तथ्यगत चीजों को रख रहे हैं तो जरा उसके वैज्ञानिक पक्ष को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, एक दूसरे को चूहा और शेर की उपाधि से नवाजा जाने लगा। लेकिन चांदी तो चूहों की हो गई है। बिहार की सियासत अपनी तमाम महान उपलब्धियों के बावजूद अब चूहा चरित्र को लेकर चर्चा में है। इसे देखकर बिहार के लोग माथा पीट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं भाई वीरेंद्र की। तो आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उनको खुद भी अंदाजा नहीं होता, हालांकि ज्यादातर बार वो जानबूझकर बोलते हैं, और कुछ हो या ना हो हंगामा होना एकदम तय हो जाता है। सूटकेश की महिमा अपरंपार है, किसी से भी पूछा जाए कि सूटकेश का क्या काम है तो जवाब मिलेगा कि इसमें कागज रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, जरूरत का हर सामान रख सकते हैं। और इसी सूटकेश की चर्चा जब विधानसभा में हो तो इसका मतलब ही बदल जाता है। यहाँ सूटकेश में कागज और कपड़े रखने से मतलब नहीं, और मतलब क्या था ये तो आप जानते ही।
माननीय मंत्री को पहले भी मैंने कहा था, और जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, लोग दिन में पदाधिकारियों की बैठक करते हैं, ये 12 बजे रात में पदाधिकारियों की बैठक करते हैं, पता नहीं क्या काम से करते हैं, बड़ा बड़ा टैची लेकर लोग जाता है मीटिंग में। साथ अब आरोप ही ऐसा लगाया गया ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार पर कि मंत्री जी को तिल मिलाना ही था। मंत्री जी आपे से बाहर हो गए, देर तक हंगामा होता रहा, मंत्री जी लगातार बोलते रहे, ये आरोप सिद्ध करी नहीं तो माफी मांगो। आप लोगों को शर्म होनी चाहिए इस बात से, जो मन माता बोल देते हैं बिल्कुल गलत बात है, और फिर रहिए, हर चीज मजाक में नहीं होता है, चुप रहिए, बिना प्रमाणित किए बात बोल दीजिएगा, यह बिल्कुल गलत बात है, वहां से पहले माफी मंगवाइए, यह बिल्कुल गलत बात है, ये इन महोदय इनकी आदत है बैठे बैठे, इनकी आदत है बैठे बैठे हर बात बोलते रहते हैं, ये को बात हुई सभी सभी जो भी काम सदस्यगण आसन ग्रहण करें, सभी माननीय सदस्य आए, पहले महोदय माफी मंगवाइए इस बात के लिए, आसन ग्रहण करें। देर तक विधानसभा में एक जुमले पर हंगामा होता रहा, आरोप जो था वो तो आपने सुना है, लेकिन भाई वीरेंद्र जब सदन से बाहर निकले तब भी उनके तेवर वही थे। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान के एक इंजीनियर ने उनसे कहा था, जबकि शैलेश कुमार ने कहा कि विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहा है। ये 2-3 दिन देखा मैंने कि अपने इनके आवास में काफी भीड़ जुटी है, तो इंजीनियर हमारा जान पहचान था, हम कहा किधर आए हो भाई, तो छोड़िए ना सर रात में कुछ है सर, मामला कुछ है सर, तो बताइए, जो मंत्री केवल अपने विभाग का शोषण करे और माननीय विधायकों का की बात नहीं माने और रोड नहीं बनवाएगा, तो माननीय सदस्य निश्चित रूप से सदन में अध्यक्ष के माध्यम से सवाल पूछेगा ही और हल्ला करेगा ही। भाई वीरेंद्र की तो आदत हो गई है कि बैठे बैठे कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, इसके पहले बहुत लोगों पर वो टिप्पणी किए हैं, आज तो हम बोले कि आपको भी तो काम करने का अवसर मिला, 2000 से लेकर 2005 तक 710 किलोमीटर रोड बना है आप इसी बिहार में, और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगभग 93,000 किलोमीटर सड़क बना दिए हैं, अनुरक्षण का काम चल रहा है, जो 5 वर्ष से ऊपर जो रोड बना है सब में बहुत तेजी से हम लोग काम लगवाए हुए हैं, और बिहार को आदरणीय नेता हमारे शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया। अब वो व्यक्ति भाई वीरेंद्र की आदत हो गई है बोलने का, वो व्यक्ति जब शासन में उन लोग रहे, आरजेडी के लोग शासन में रहे, तो उन्होंने क्या क्या 15 वर्षों तक, ये तो वो बताने का काम करे, और ये बहुत ही गंदा टिप्पणी है किसी के साथ इस तरह, इसे लोग जरूर, हम लोग तो बहुत दुखी हैं इस बात से। सूटकेस का प्रकरण विधानसभा में शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया, लेकिन बिहार की पब्लिक जानना चाहती है कि क्या आरोप सही थे या गलत थे, कार्रवाई दोनों स्थिति में होनी चाहिए। बेबुनियाद आरोप लगा देने पर भी और इतना गंभीर आरोपों में जरा सी भी सच्चाई होने पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अद्भुत नजारा रहता है झारखंड विधानसभा में। अभी कुछ महीनों पहले जो शोर किया करते थे वो शांति की अपील कर रहे हैं, और उस वक्त जो शांति की अपील कर रहे थे वो अब शोर मचा रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा के बजट सत्र की अब तक की कार्यवाही हंगामे की ही भेंट चढ़ गई है, कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। इस बीच सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायकों के लिए जो कहा उसे मर्यादित तो कतई नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने जिन शब्दों के जरिए पलटवार किया उसके बाद तो यही कहा जाएगा कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कुत्ता की तरह भौंक रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुत्ता की तरह वहाँ भौंक रहे हैं, ये सदन है, जनता देख रही है, आपका मुद्दा ही नहीं है, अगर सरकार गलत काम किया तो उस पर आप आइए, उस पर हंगामा कीजिए, और बाबूलाल मरांडी जी को टारगेट करके ये सदन का कार्रवाई स्थगित कर दिया गया, और सदन की जो परंपरा है उसका खुलेआम इन लोगों ने उल्लंघन किया है, और हम लोगों ने मांग किया है कि जो विधायक ने इस तरह से भौंकने का काम किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए संस्कार विहीन लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं,
इरफान अंसारी कुछ हद से ज़्यादा ही बोलते हैं। उदाहरण के लिए अखबारों में मैंने पढ़ा कि प्रदीप यादव को यदि कांग्रेस में शामिल कर लिया जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा तो नहीं दिया। तो इसे कहते हैं पलटू राम, थूक के चाटना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कोरोना की। तो आजकल कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और इससे बचने के लिए हाथ धोइए, मास्क पहनिए जैसी बातें की जा रही हैं और जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन बिहार विधान परिषद के कैंटीन से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखने के बाद तो आप यही कहेंगे कि भाई काहे का डरना, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा कोरोना। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये बिहार विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि बिहार विधान परिषद की तस्वीरें हैं। यहाँ मोस्ट वीआईपी यानी कि एमएलसी के लिए चाय बनती है, यहाँ का नाश्ता और खाना विधान पार्षद खाते हैं, और यहाँ कितनी गंदगी है, किस तरीके से नाले के पानी का इस्तेमाल हो रहा है ये आप भी देख सकते हैं। गंदे पानी से धोए बर्तन में माननीयों के लिए परोसा जा रहा है खाना। बिहार सरकार क्या कर रहा है, जूठा सबको खिला रहा, चूहा का खाना जूठा खिला रहा आदमी को, आज जूठा प्लेट में खिलाया जा रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो साबुन सब बर्तन धो लाता है उस साबुन का व्यवस्था भी नहीं है। राज्य सरकार खाली लूट मार्च लूट है। राबड़ी देवी सुशील मोदी के साथ कई माननीय हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी सेहत से हो रहा है खिलवाड़। जब हमने कैंटीन के स्टाफ से बात की तो एक टंकी में लीकेज की बात बताई गई, लेकिन कैंटीन में पसरी गंदगी का उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। चाय भी यहाँ ऐसे बन रहा है चाय जो हाइजेनिक होना चाहिए खाना बनाने में, चूंकि माननीय सदस्य है। चाय देखिए वहाँ पानी गंदा है, यहाँ पर नीचे पानी पसरा हुआ है, लेकिन फिर भी तत्काल है, हो जाएगा ठीक, क्योंकि मशीन वहाँ लगी हुई थी। मैंने सुबह में देखा कि पानी को निकाला जा रहा था, हो सकता है कि कुछ ज्यादा खराबी आ गई इसके चलते यहाँ पानी जमा है। ये पहली बार ऐसी मैंने देखा है। कंप्लेन किया गया है, आप कंप्लेन किया गया है क्या? जी कंप्लेन है। क्या बोला गया, कब तक ठीक होगा? ये बोला गया था कि आज ठीक हो जाएगी। कि बर्तन जहाँ साफ हो रहा है सर, गंदे पानी में लोग बर्तन साफ कर रहे हैं क्या? वहाँ नल लगा हुआ है, हमारे पास तस्वीर है सर, गंदे पानी में लोग बर्तन साफ कर रहे हैं। क्या विधान पार्षद उसी गंदे थाली में खाना खाएंगे क्या? गंदे पानी में साफ नहीं हो रहा है, वहाँ वाटर सप्लाई का नल लगा हुआ है, उससे बर्तन साफ हो रहा है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपको हाइजेनिक लगता है वो कि वाकई जो उच्च सदन है उनके सदस्य इसी हाइजेनिक परिवेश का खाना खाएंगे? हिसाब से कैंटीन का हमारे सभापति महोदय के द्वारा रिनोवेशन के लिए लिखा गया है, पुराना कैंटीन भवन है उसी में कैंटीन चल रहा है। उम्मीद है कि एक दो महीना में जो है कि रिनोवेशन का काम लग जाएगा। जब वीडियो सामने आया तो खलबली मच गई। खुद को जनप्रतिनिधि और माननीय मानने वालों को जब पता चला कि वे किस तरह के चाय नाश्ते का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके होश उड़ गए। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो वहां कैंटीन के मैनेजर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो बात सामने आ रही है वह काफी दुखद चिंता का विषय है। अगर जिस तरह से खाना जो परोसा जा रहा है या खाने जो बनाए जा रहे हैं प्रक्रिया में जिस तरह से मतलब अवहेलना की जा रही नियमों का जाकर के, तो चाहेंगे कैंटीन मैनेजर जो है उन पर कार्रवाई हो जाएगी। बिहार विधान परिषद से आई इन तस्वीरों के बाद जहन में दो ही सवाल उठता है। एक तो ये कि जब वीवीआईपी लोगों का ये हाल है तो आम लोगों का भगवान ही मालिक है। दूसरा ये कि जब इतनी गंदगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो कोरोना हमारा क्या कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डीजीपी साहब का नाम भले गुप्तेश्वर है लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब कुछ होता है खुल्लम खुल्ला। यानी कि बिहार पुलिस के मुखिया जब बोलने लगते हैं तो किसी के लिए कुछ स्पेस ही नहीं बचता है।
अभी कुछ दिन पहले ही बोल दिया था कि बिहार में दारू कहां कहां बिकता है पुलिस सब जानती है। अब बताइए ये सब भी बोला जाता है कहीं? डीजीपी साहब की यह आदत साफ समंदर पार जाकर भी नहीं बदली है। लंदन में बयान दिया कि बिहार में लोग कानून की इज्जत नहीं करते हैं, जात पात के लिए लड़ाई करते हैं, अनुशासन की कमी है और समय की कीमत समझते ही नहीं है। लेकिन लास्ट में डीजीपी साहब ने यह बोलकर डैमेज कंट्रोल कर लिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई क्या अच्छा, कुछ अच्छा बोल भी लेते। हिंदुस्तान के लोगों को, बिहार के लोगों को, वहां के खास करके नौजवानों को एक ही खास बात है, यहाँ के लोग अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी देशभक्ति है, कूट कूट करके भरी हुई है। और यहाँ के लोग जात के नाम पर आपस में नहीं लड़ते, मजहब के नाम पर आपस में नहीं लड़ते, आपस में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, गली की, नली की, जगह की, जमीन की, दुकान की, मकान की लड़ाई में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हैं। अब प्रॉपर्टी का महत्व तो यहाँ भी है, यहाँ के लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं, एक एक पाउंड का हिसाब रखते हैं, लेकिन ये लड़ते नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए। इतना अनुशासन है इनके जीवन में, इतना समय का महत्व है इनके जीवन में। तो मैं इसको संक्षेप में ऐसे कहूं कि इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है, इनमें समय का बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही अनुशासन है, समय की कीमत बहुत ही करते हैं लोग, और तीसरी बात अनुशासन कूट कूट करके भरा हुआ है लोग, कानून का पालन करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये, खुद अपने लिए कानून बनाते हैं और कानून का सख्ती से पालन करते हैं। बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, कानून के मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आपस में एकदम समानता का व्यवहार है, और कोई काम छोटा करे, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो या वो दुकान में मजदूरी करने वाला आदमी हो, वो भी आदमी काम से जब लौटता है और सड़क पर जब चलता है तो यहाँ के किसी बड़े आदमी के बराबरी में वो होता है, कोई भेद नहीं है। तो ये समानता की भावना है, आपस में प्रेम है, सद्भाव है, मोहब्बत है, देशभक्ति है, अनुशासन है, कानून के प्रति इज्जत का भाव है, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं है। झारखंड की राजनीति में आजकल तलखी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन फागुन की मीठी बयार के बाद राजनीति की कड़वाहट में कमी आ गई है। सियासी होली मिलन से विपक्ष ने तो दूरी बना ली, लेकिन ताजा जीत के जोश में सत्ताधारी दल के नेता झूमते नजर आए। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान गंभीर नजर आने वाले माननीय, सदन की बहस में उग्र नजर आने वाले माननीय, सियासी मुद्दों पर मुखर माननीय जब विधानसभा में होली मिलन के लिए आए तो तौर तरीका ही बदल गया, अंदाज ही बदल गया। देखिए झारखंड विधानसभा की अनोखी होली। हाथ में माइक लेकर फगुआ गा रहे थे प्रदीप यादव, ढोल बजाकर झूम रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झाल बजा रहे थे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, और साथ देने के लिए थे स्पीकर रविंद्र महतो के साथ कई माननीय। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा में माहौल फागुनमय हो गया। के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली में लोग बहुत खूबसूरत रंगों से होली खेलते हैं, ये तो एक बहाना है, पर लोगों को इस पर्व से सीखना चाहिए
कि जब हम खूबसूरत रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, प्यार बांटते हैं, ये चीज हमारे स्वभाव में भी आनी चाहिए। हम लोग झारखंड के लोग बराबर झारखंडी तौर तरीका से होली मनाते हैं, गांव में रहते हैं, गांव के कार्यकर्ता घर के लोग मिल के होली मनाते हैं। जो झारखंड का कल्चर है, पुआ पकवान होता है, तो आज यहाँ जिलेबी है, जिलेबी छान के लोग हम लोग खाने का प्रयास किए, खाए भी, खिलाए भी है, इसलिए होली में सभी को शुभकामना बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्र महतो ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और होली मिलन कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। सवाल का जवाब देना चाहिए, मैं ये सवाल करना चाहिए, रंगीन वातावरण, रंगीन सोच और रंगीन विचार होनी चाहिए, खुल कर खेलना चाहिए होली। हम लोग होली में दुश्मन भी गले लगते हैं, सारे लोग एक साथ रहते हैं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। शुभकामनाएं सर क्या है होली के, पूरे राज्यवासी को शुभकामनाएं, होली में सुसंगठित ढंग से होली का त्योहार मनाएं, सबके घर में आनंद खुशी पहुंचे, यही मेरा संदेश। यहाँ माननीयों के लिए मुंह मीठा कराने का भी इंतजाम था, माननीय ही जलेबी छान रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे। होली गाना और रंग गुलाल खेलना तो जारी था ही। होली प्रेम, भाईचारे और अमन का त्योहार है, लेकिन आजकल इन शब्दों से सियासत ने दूरी बना ली है। कभी कभी होली जैसे पर्व त्योहार में ही इसके दर्शन होते हैं और वहां भी विपक्ष के बहिष्कार का झगड़ा खड़ा हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा में भी माननीयों ने जमकर होली खेली। हालांकि यहां पर आयोजन औपचारिक नहीं था, लेकिन होली की खुमारी भला कहां मानती है। क्या विधायक, क्या मंत्री और क्या विधान पार्षद सब होली की मस्ती में झूमते नजर आए। कोरोना वायरल के कारण प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह निवेदन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर होली मिलन नहीं किया, लेकिन ये जनता को संदेश जाना चाहिए कि ये पर्व कोरोना वायरस पर भारी पड़ेगा, कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा भारत में, प्रतिरोधात्मक क्षमता भारत का ज्यादा है। देखिए होली के समय में हृदय से दिल से जोगीरा सारा रारा के साथ भारत माता की जय का नारा लगेगा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, जोगीरा सारा रारा। होली मिलन का त्योहार है, लेकिन बिहार के हड़ताली शिक्षक इस बार मानने के मूड में नहीं है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि इस बार जो होगा आर पार ही होगा। ये लड़ाई अब होली के गानों और जोगीरा में भी दिखाई दे रही है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पॉलिटिकल जोगीरा, जिसे तैयार किया है पटना के टीचर्स ने। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। नीतीश तेरे राज में होवे काम अजीब, मृतक जांचे कॉपी ऑपरेशन करे मरीज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा। कैसे कैसे खेल खेलते विपक्षी शिक्षक संघ, सत्ता में जब रहते हैं तो मुंह रहता है बंद, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा। मंगरू कहे नीतीश से सुनला भैया हाल, शिक्षक से टकराने से रघुवर हुए बेहाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा।
अरविंद ने सम्मान दिया, मिला सिसोदिया साथ, कर शिक्षक से दोस्त थी तो फिर से केजरीवाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बिहार करे उन्नति तो हमें भी है अभिमान, पर ये कैसी उन्नति है जहाँ शिक्षक मांगे भीख। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो बतकही जब एक बार शुरू होला तो कहीं रुके के नाम ले ला, ऐसा ही चलत रहला, लेकिन क्या कीजिएगा, समय की पाबंदी है। तो आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। नमस्कार।